बहुत खुश है आपको मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से आए। आज हम अपनी नई रेसिपी की तरफ चल रहे हैं जी। आप ये देख रहे हैं गाजर को मैंने एक गाजर ली थी, उसको मैंने इस तरह कश कर लिया है। गजरेले के लिए हमें गाजर की जरूरत है तो एक अदद बहुत है, ये मैंने ले ली है। इसको इसके लिए मैंने चाहिए चावल मैंने तकरीबन आधी प्याली अच्छी तरह भिगो दिए हैं, इसको धो के, ये साफ पानी है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें चाहिए नीडो, दूध, चीनी। इनकी हम तैयारी दिखाते हैं आपको किस तरह हम कर रहे हैं। मजीद चीजें ऐड करते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। ये हमारा हो गया है तैयार। इसमें हम यही अपने चावल और पानी इसके अंदर डाल देंगे। चावल मैंने इसमें डाल दिया, आधी प्याली इसमें पानी है। नीडो मैं इसमें ही हल कर रही हूँ, अलहदा से ना हो। ये दो बड़े चम्मच मैंने नीडो के हल कर लिए हैं। ये देखिए इतने मोटे हो गए, ठीक है, ज्यादा बारीक नहीं करने, इतने मोटे रखने हैं। चलिए हम तैयार कर रहे हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपना तैयार किया हुआ हमने इसमें डाल दिया नीडो के साथ। अब हम इसमें मजीद दूध डालेंगे। पानी मैंने सिर्फ आधा कप इस्तेमाल किया है। ये मैं इसमें जो मेरी मशीन में है रही से ही, मैं दूध से ही इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। एक लीटर दूध लेंगे हम, ज्यादा नहीं। ये इसमें मैंने दूध एक लीटर डाल दिया है। ये इसी तरह आपने चलाना है ताकि चावलों में गुठलियां ना पड़े। और तीन इलायची, ये मैं, ये देखें, तीन इलायची खोल के इसमें डाल रही हूँ, जो हमारी गाजर है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी इसके अंदर गई। साथ साथ जल्दी हल हो जाएगा, जब भी बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता। ड्राई फ्रूट अपने रेडी रखें, जो जो आपने डालने हैं। मैं अमूमन चार ही ड्राई फ्रूट डालती हूँ, बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू। अब इसको जब तक बॉईल होना है आपने इसी तरह चलाना है। ये देखिए बॉईल हो गए है ना, अब इसमें गाजर का अपना कलर आ जाएगा, जबरदस्त चावल भी हमारे होना शुरू हो रहे हैं। इसको इसी तरह बॉईल होने के लिए 15 मिनट छोड़ दें, लेकिन प्लीज इसको चलाते रहिएगा ताकि मीठे में अगर नीचे से लग जाए तो मसला होता है। तो इसको मैं 15 मिनट तक ऐसे ही इसको हल करती हूँ बॉईल होने के। ये देखिए इस तरह बॉईल होता रहे। आप इसको कवर से ढक सकते हैं, दरमियानी आंच लें बिल्कुल, इसको 10-15 मिनट छोड़ दें। ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं तकरीबन जी। हाँ, अब इसमें चीनी का टाइम डाला है, अब हम इसके अंदर चीनी डालते हैं। चीनी में ये एक प्याली ले रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अभी ये जो अपनी पानी छोड़ेगी तो इसकी वजह से हम इसको 5 से 6 मिनट और अच्छी तरह से बनाते हैं ताकि ये जब्स हो जाए चीनी इसमें, और फिर हम आपको इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं। माशाल्लाह गजरेला रेडी हो गया है, चले हम आपको करते हैं सर्व। वाओ माशाल्लाह, वाओ मम्मा किचन की रेसिपी रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है गजरेला। जल्दी जल्दी शेयर करें अपनी फैमिली में, और दस्तखान पे रौनक बख्श है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ।